नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज हम सब पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और साथ ही साथ मैंने अपने लास्ट क्लास में आप सभी को पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया था, जिसमें ये था पास्कल ट्रायंगल अगर आप ना भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल से सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉफिशियंट निकलता था। ठीक है, तो अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पता है तो पता है कि उसमें कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि कैसे हम लोग कोफिशियंट को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंशन निकालना सीखते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सपेंशन एंड देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। आपको इसका एक्सपेंशन निकालना और उसके बाद बताना कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो आप याद करो लास्ट क्लास हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या था। तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर एन इजिकल्स टू, फॉर्मूला था एन सी जीरो, एक्स टू दी पावर दोनों को माइनस करके यानी कि एन, और वाई टू दी पावर जीरो अगेन प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, वाई टू दी पावर वन अगेन प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, वाई टू दी पावर टू प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कब तक जाता है? जब तक हमारा n और r का वैल्यू सेम नहीं हो जाता है। तो एन सी एन एक्स टू दी पावर जीरो एंड y टू दी पावर n। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग पुट करते हैं इसमें, तो ये हमारा क्या है, 2x प्लस 3y होल टू दी पावर n होल टू दी पावर 4। तो हेयर यहां आपका n का वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो 2x प्लस 3y होल टू दी पावर 4 इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी जीरो एक्स यानी फर्स्ट टर्म का पावर दोनों को माइनस कर दीजिए यानी कि 4, एंड सेकेंड टर्म यानी कि 3y का पावर 0 अगेन 4c1 फर्स्ट टर्म यानी कि आपका 2x का पावर 3 एंड 3y का पावर आपका r यानी कि 1 देन अगेन प्लस 4c2 2x का पावर माइनस कर दो तो 2 एंड 3y का पावर आपका r अगेन प्लस 4c3 2x टू द पावर माइनस करो 1 3y का क्यूब अगेन प्लस 4c4 2x टू द पावर 4 माइनस 4 0 एंड 3y टू द पावर 4। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, दिस इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू आपका 4c0। मैंने कल आपको सब बताया था nc0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इंटू 2x टू दी पावर 4, तो 2 का पावर 4 यानी कि आपका 16 हो जाएगा, और ये आपका x टू दी पावर 4 इंटू किसी का भी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 अगेन प्लस 4c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ जी 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी कि 8, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 3y टू दी पावर 1 यानी कि 3y अगेन प्लस 4c2। तो पास्कल ट्रायंगल से भी आप देख सकते हो, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल में क्या होता था हमारा, 4 वाले केस पे क्या होता था हमारा, 5 टर्म्स आता, और 5 टर्म्स उससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो ऐसे पास्कल ट्रायंगल की मदद से 1, तो ये आपका 1 और 1 देन आपका 1 का ये आपका 1 1, ठीक है, एंड देन आपका ये 1 1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 2 एंड ये हमारा 1, ये आपका 1 का 1 और 1 प्लस 2 यानी कि आपका 3 और 2 प्लस 1 यानी कि 3 एंड देन 1 अगेन आपका ये 1 1 प्लस 3 आपका 4, 3 प्लस 3 आपका 6, 3 प्लस 1 आपका 4 एंड देन आपका 1। तो ये x प्लस एक्स जो भी था, x प्लस वाई टू द पावर ये 0 के लिए था, तो ये x प्लस वाई टू द पावर 1 के लिए था, ये पावर 2 के लिए था, ये पावर 3 के लिए था, ये पावर 4 के लिए था, तो कॉफिशियंट क्या है, 1 4 6 4 1। ठीक है, यानी कि
14641, यानी कि इसका कॉफिशियंट 1 हो गया, इसका कॉफिशियंट 4 हो गया, देन डेफिनेटली 4c2 का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, इंटू 2 to the power 2, यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि आपका 9, और ये आपका वाई स्क्वायर। अगेन क्या था कॉफिशियंट, 1, 4, 6, इसका भी 4 था, तो ये हमारा हो जाएगा 4, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, 2 to the power 1 यानी कि 2, और x का पावर 1 यानी कि x, प्लस 3 to the power q, यहाँ प्लस नहीं होगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है, और आपका 3 का पावर क्यूब यानी कि 27, और ये आपका हो जाएगा वाई क्यूब। अगेन प्लस 4c4 क्या था, 1, 4, 4, 6, 1, 1, 4, 6, 4, 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, इंटू किसी का ही पावर 0 का वैल्यू 1, इंटू 3 का पावर 4, तो 27 इंटू 3 81, ठीक है, एंड देन ये आपका 1 और 3 का पावर 4 यानी कि 81 वाई 4। आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो, 16 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 16 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8 फोर जा 32 एंड 32 थ्री जा 96, ठीक है, 8 फोर 32 और 32 थ्री जा 96, ये आपका एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, देन प्लस 6 फोर जा 24 एंड 24 नाइन जा, तो कितना हो जाएगा आपका 216, ये आपका 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8, तो 27 इंटू 8, अगेन ये आपका क्या हो जाएगा 216 एक्स वाई क्यूब प्लस ये आपका हो जाएगा 81 वाई टू दी पावर 4 आंसर। साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको पता है कि अगर n का वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा यानी कि 5 हो जाएगा, अगर n का वैल्यू 5 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या होता, 6 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - x/2 to the power 5, इसको आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई है, तो हम अच्छे से जानते हैं ये एक्सपेंड नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x - x/2 whole to the power 5। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एन सी जीरो, दिस का पावर यानी कि 2x - माइनस करके तो 5 इंटू दिस का पावर 0, इसका पावर क्या हो जाएगा 0, चलो एक बार लिख देते हैं हम लोग, -x/2 to the power 0, अगेन 5c1, ये हमारा हो जाएगा 2x/4 और -x/2 to the power 1, अगेन प्लस 5c2 2x/3 एंड -x/2 to the power 2, अगेन प्लस 5c3 2x/2 -x/2 to the power 3, अगेन प्लस 5c3 3 था तो यहां पर हो जाएगा 4, हां जी ये आपका 1 एंड -x/2 to the power 4, अगेन प्लस 5c4 तो यहां 5c5, ठीक है, 5c5 2x/0 एंड -x/2 to the power 5, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कॉफिशियंट, आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो सारे वैल्यूज को, ठीक है, ये वैल्यूज आप निकाल भी सकते हो, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, तो फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन आपका होता है NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, उतना हम निकाले क्यों, पास्कल ट्रायंगल से हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 है तो ये आपका 1 जाएगा,
और उसके बाद 4 + 1 ये आपका 5 हो जाएगा, देन ये आपका 10 हो जाएगा, और ये भी आपका 6 + 4 = 10 हो जाएगा, 4 + 1 = 5 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो क्या क्या आया जी, 1 5 10 10 5 1, ठीक है, 1 याद रखिएगा, 1 5 10 10 5 1। चलो तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1, ठीक है, और 2 to the power 5 यानी कि 32 बाई एक्स का पावर हो जाएगा 5, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अगेन प्लस 1 5, तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, 2 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16 बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स, तो ये माइनस का माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस अगले स्टेप में कर देंगे हम लोग, अगेन प्लस 1 5 10 था ना, और 2 का पावर 3 यानी कि 8 बाय एक्स क्यूब इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा 4, अगेन प्लस 1 5 10 ये भी 10, 2 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस का क्यूब यानी माइनस एक्स क्यूब बाय 8, ये हो गया, अगेन प्लस 1 5 10 10 ये 5, ये हमारा हो जाएगा 5, 2 by x माइनस का पावर 4 यानी कि प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाय 16 प्लस ये 1, ये भी 1, किसी का पावर 0 मतलब 1, 1 × 1 × 1 छोड़ दीजिए आप दैट, इसको लो माइनस का पावर 5 यानी माइनस एक्स टू दी पावर 5, 2 to the power 5 मीन्स 32। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 32 बाय एक्स टू दी पावर 5, है ना, ये कंप्लीट। आप ध्यान दो थोड़ा सा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, 2 से इसको कट करो तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब बच जाएगा, यानी कि 2 से 8, हाँ 8 5 = 40 बाय ये हो जाएगा मेरा x क्यूब, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 से काटो तो 4 2 8, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो 2 कट जाएगा सिर्फ 1 बचेगा, तो 10 2 20 बाय एक्स, अगेन ये क्या हो जाएगा 4 1 4 2, ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 x बचेगा, पहले प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 5 only 5, हाँ जी ओनली 5, और ये आपका हो जाएगा x ओनली 5 x, ठीक है, अगेन प्लस ये आपका हो जाएगा 2 8 यानी कि 5 by 8, ये x है x 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब बचेगा, तो 5 by 8 x क्यूब, फिर प्लस माइनस, तो ये आपका माइनस x to the power 5 बाय 32 आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस, आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका वैल्यू निकालना है दिस माइनस दिस का, और जब आपको इसका वैल्यू मिल जाए देन आपको इवेल्युएट करना है इसका वैल्यू, ठीक है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना, आप सबसे पहले a प्लस बी का पावर 4 निकालोगे, फिर आप a माइनस बी का पावर 4 निकालोगे, और फिर उसको आप माइनस करोगे, तो बहुत सारे टर्म्स आपके कट जाएंगे, जब आपके बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो उसके बाद का जो पैटर्न होगा, जहां पे a होगा हम लोग √3 पुट करेंगे, जहां पर b होगा वहां पर √2 पुट करेंगे, एंड वी कैन फाइंड इजीली। चलो देखते हैं, हम लोग सबसे पहले a प्लस बी का पावर 4 निकालते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, एट फर्स्ट हम क्या करेंगे a प्लस बी का पावर 4 निकालेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी का पावर 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का पावर 4 का फॉर्मूला हो जाएगा एन सी 0 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 0 प्लस 4c1 a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 1
प्लस फोर सी टू ए टू द पावर टू बी टू द पावर टू प्लस फोर सी थ्री ए टू द पावर वन बी टू द पावर थ्री प्लस फोर सी फोर ए टू द पावर जीरो और बी टू द पावर फोर। इसका वैल्यू क्या होता है वन। अच्छा ये वन, ये भी वन, ये ए टू द पावर फोर, तो कुल मिला के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए टू द पावर फोर प्लस का प्लस, ये आपका फोर। कैसे पता? आप इसको कॉम्बिनेशन से निकाल भी सकते हो, या फिर अभी हम लोगों ने निकाला था पास्कल ट्रायंगल से कि जब फोर टाइम्स होता तो वन फोर सिक्स फोर वन, वन फोर सिक्स फोर वन, ठीक है। चलो तो इसका वन आएगा, इसका फोर आएगा, तो ये फोर ए क्यूब बी, फिर अगेन प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वन फोर सिक्स, अगेन इसका वैल्यू फोर ए बी क्यूब, और इसका वैल्यू अगेन वन वन बी फोर, तो ये आपका आ गया बी फोर, ठीक है। तो ए प्लस बी का पावर फोर का वैल्यू तो हमारा भाई ये है। अब हम निकालेंगे a माइनस बी टू द पावर फोर, तो a माइनस बी टू द पावर फोर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, आप a माइनस बी को भी लिखोगे a प्लस माइनस बी एंड होल टू द पावर फोर, आप ये लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला तो वही है ना, वही फॉर्मूला आपका फोर सी जीरो ए टू द पावर माइनस करेंगे फोर और माइनस बी टू द पावर जीरो, अगेन फोर सी वन ए टू द पावर थ्री और माइनस बी टू द पावर वन, अगेन फोर सी टू ए टू द पावर माइनस करके टू और माइनस बी टू द पावर टू, अगेन फोर सी थ्री ए टू द पावर वन एंड माइनस बी टू द पावर थ्री, अगेन प्लस फोर सी थ्री हो गया तो फोर सी फोर, हाँ जी ए टू द पावर फोर माइनस फोर जीरो एंड माइनस बी टू द पावर फोर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसका वैल्यू देखो, फोर सी जीरो का वैल्यू वन, ये वैल्यू भी वन ए टू द पावर फोर, चलो ठीक है, ए टू द पावर फोर, अगेन फोर सी वन, तो फोर सी वन का वैल्यू क्या होता है फोर, फोर सी वन का वैल्यू क्या होता है फोर ए क्यूब, तो ए क्यूब और माइनस बी टू द पावर वन मतलब माइनस बी, तो माइनस प्लस माइनस बी, फिर ये प्लस प्लस फोर सी टू का वैल्यू सिक्स ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर नहीं प्लस, और ये हो जाएगा मेरा बी का स्क्वायर, वन फोर सिक्स, अगेन इसका वैल्यू क्या हो जाता है फोर ए का पावर वन यानी कि ए माइनस का पावर थ्री यानी कि माइनस, और ये माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, माइनस का पावर क्यों यानी कि माइनस और ये प्लस, तो माइनस और ए का पावर मतलब ए और ये हो जाएगा आपका बी क्यूब, अगेन इसका वैल्यू क्या होता है वन, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा वन, माइनस का पावर फोर प्लस, तो ये प्लस इंटू प्लस आपका हो जाएगा प्लस वन वन, ये हो जाएगा सिर्फ बी का पावर फोर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों को माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या डिमांड है, दिस माइनस दिस करना, तो आप खुद देखो, तो आप दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा, तो हमारा चलिए करके देखते हम लोग। अब हमारा a प्लस बी टू दी पावर फोर माइनस ए माइनस बी टू दी पावर फोर था, तो a प्लस बी टू दी पावर फोर का वैल्यू ये था, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला माइनस का माइनस और a माइनस बी टू दी पावर फोर का वैल्यू ये था हमारा, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, आप खुद देखो, ये हो जाएगा a टू दी पावर फोर प्लस फोर ए क्यू बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यू प्लस बी टू दी पावर फोर। अब इस माइनस को एंटर करेंगे तो माइनस ए टू दी पावर फोर माइनस माइनस प्लस फोर ए क्यूब बी माइनस प्लस माइनस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए बी क्यूब माइनस बी टू दी पावर फोर प्लस ए टू दी पावर फोर माइनस ए टू दी पावर फोर प्लस बी टू दी पावर फोर माइनस बी टू दी पावर फोर प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये कितना बच गया, फोर ए क्यू बी प्लस फोर ए क्यू बी यानी कि एट ए क्यू बी और ये फिर प्लस फोर ए बी क्यू और फोर ए बी क्यू, तो एट ए बी क्यू, तो कुल मिला के अगर हमने यहां से एट कॉमन निकाले, एट ए बी कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो यहां से एट भी निकाल दिया, एक ए निकाले एक बी, तो ये क्या बच गया, हाँ
हमारा ये बच गया, यानी कि a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस ए माइनस बी टू दी पावर 4 इक्वल टू दिस हो गया। तो एक तो ये निकल गया, उसके बाद हमें हैंस इवेलुएट निकालने बोल रहा था क्या, हैंस इवेलुएट निकालना था। देयर फोर हम लिख सकते हैं रूट थ्री, आप नोटिस करना क्वेश्चन में हैंस इवेलुएट क्या लिखा हुआ था, रूट थ्री प्लस रूट टू होल टू दी पावर 4 माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू होल टू दी पावर 4। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने जस्ट क्या निकाला, तो 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है आपका रूट थ्री और b का वैल्यू क्या है आपका रूट टू। तो बस आप पुट कर दो इस वैल्यू को, ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू टू दी पावर 4 और माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू टू दी पावर 4। तो इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा 8ab, ठीक है, इसका हो जाएगा 8ab। तो a का मतलब है रूट थ्री, b का मतलब है रूट टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का 8 रूट थ्री और रूट टू मिलकर हमारा रूट सिक्स हो जाएगा। रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस रूट टू का, रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि 3 और रूट टू का स्क्वायर यानी कि 2। तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 5, 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका 40 रूट सिक्स आंसर, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं, प्रूव दैट समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n 3 टू दी पावर r n c r इक्वल्स टू 4 टू दी पावर n, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, हम लोग कोर्स करते हैं इसको सॉल्व करने का। इसमें हम लोग ना एक काम करते हैं, RHS को उठाते हैं, ठीक है। तो RHS आपका क्या है 4 टू दी पावर n। अच्छा 4 टू दी पावर n को हम बोल सकते हैं 1 प्लस 3 टू दी पावर n, एकदम बेशक बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना जी 1 प्लस 3, 4 को 1 प्लस 3 टू दी पावर n। अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के रूप में, एन सी जीरो फर्स्ट टर्म का पावर माइनस करके यानी कि n, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड टर्म का पावर नीचे वाला यानी कि 0, अगेन एन सी वन फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 1 और 3 का पावर 1, अगेन प्लस एन सी टू फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 2 और 3 का पावर 2, प्लस ये चलता जाएगा, ये इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा एन सी एन वन टू दी पावर n माइनस n एंड 3 टू दी पावर n। आप नोटिस करना एन सी जीरो का, चलो ठीक है एन सी जीरो रखो, 1 का पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 तो छोड़ दो, और ये आपका 3 का पावर 0, अगेन एन सी वन का एन सी वन, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ये आपका 3 का पावर 1, प्लस एन सी टू 1 का पावर कुछ भी हो 1 ये आपका 3 टू दी पावर 2, देन प्लस डॉट 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 ये आपका एन सी एन 1 का पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है 3 टू दी पावर n। तो आप लोगों को मैंने समेशन का फॉर्म बताया था, देखो तो n का n, c का c, n और c हमेशा कांस्टेंट है, n c n c n c, लेकिन ये चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए ये आपका किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो 0 है तो ये 3 का पावर 0 है, ये 1 है तो ये 3 का पावर 1 है, यानी कि अगर हम यहां पर r लिखते हैं तो ये हमारा 3 का पावर r हो जाएगा, और ये प्लस 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 में है, यानी कि समेशन r का वैल्यू 0 से शुरू हो कहां तक जाएगा n तक जाएगा। देखिए सबसे पहले r का वैल्यू हम लोग रखेंगे 0 तो 3 का ही पावर 0, फिर समेशन के चलते प्लस आएगा, r का वैल्यू 1 तो यहां भी r का वैल्यू 1, फिर समेशन के चलते प्लस आएगा r का वैल्यू 2 तो यहां भी 2, ठीक है। तो देखो तो आ गया हमारा LHS इज इक्वल्स टू LHS। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म पढ़ेंगे और मिडिल टर्म पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू। आप वीडियो देखिए समझिए, जहां डाउट होता है आप पूछ सकते हैं।